हम लोग एक्सरसाइज, इट मीन्स नॉलेज ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एक्सरसाइज वन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कई प्रकार के क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज में आते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब आपको बहुत ही हेल्प करेगा। सो मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कई सारे एग्जाम्पल्स दिए, उसमें से एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैंने ये डाला, यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 7:9 तथा बी रेशियो सी इक्वल टू 9:15 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1। सो इजी, क्योंकि आपने मैंने पहले ही आपको कॉन्सेप्ट में समझा दिया था कि देयर फॉर ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या फाइंड करिए क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे बी एंड यहाँ पे बी देखेंगे, दोनों में जो कि 9 है वो कॉमन है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 7:9:15। दिस इज आंसर। ठीक, देखेंगे यहाँ पे यदि ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी इक्वल टू सी रेशियो डी इक्वल टू 3:5 है और ए का वैल्यू दिया हुआ है 27, उसका रियल वैल्यू क्या दिया हुआ है 27, तो हमें डी का रियल वैल्यू पता करना है। या ए रेशियो बी बी रेशियो सी सी रेशियो डी, ये सभी का रेशियो दिया हुआ है 3:5 3:5 3:5, और चूंकि इसका जो रियल वैल्यू दे रहा है ए का वो कितना मेरे को है 27, तो देखेंगे इसके लिए पहले रफ यूज कर लेते हैं। या ए बाई बी इक्वल टू मेरे को दिया हुआ 3:5, ये रेशियो में मेरे को दिया हुआ है और इसका ए का जो रियल वैल्यू है कितना है वो 27, जबकि हमें बी का रियल वैल्यू नहीं पता है। तो इससे हमें पता कर लेंगे क्या रियल वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो 3:9:27 इट मीन्स 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आ जाता है। वैसे ही सेम टू यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो यहाँ पे कितना आएगा 45, जो कि रियल वैल्यू ऑफ बी हो गया। इसका मतलब यह 27 एंड यहाँ पे 45 बी का वैल्यू हो गया। सेम प्रोसेस बी बाई सी इक्वल टू, इसका भी हमें जो रेशियो है वो 3:5 दिया हुआ है और बी का जो रियल वैल्यू है वो 45 आ चुका है, तो हमें पता करना है सी का रियल वैल्यू। तब देखेंगे 3 से डिवाइड करके देखते हैं 45 को तो कितना आता है 15 3 जब 45, इसका मतलब हुआ 3 × 15 = 45, तो 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो हमें आता है 75, इट मीन्स रियल वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 75, रियल वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 75। इसी तरीके से अगर हम डी का वैल्यू पता करते हैं, डी का वैल्यू तो सी बाई डी इक्वल टू 3:5, हियर रियल वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 75 एंड हियर रियल वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू व्हाट। सो हम लोग कैसे करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 75 को तो हमें आता कितना 25, इसका मतलब क्या कि 3 में 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आ जाता है। वैसे ही 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 125 होगा, इसका अर्थ हुआ कि D का जो रियल वैल्यू है वो कितना हो जा रहा है या 125, क्योंकि C का वैल्यू 75 था और इसी से हमने फाइंड क्या किया 125। सो दिस इज आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A रेशियो B इक्वल टू 8:15, B रेशियो C इक्वल टू 5:A एंड सी रेशियो डी इक्वल टू 4:5, तो हमें पता करना क्या ए रेशियो डी इक्वल टू, इट मीन्स ए बाई डी इक्वल टू, इस ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे कि ए बाई बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी बाई सी से एंड फिर मल्टीप्लाई करेंगे सी बाई डी से। अब
इसके वैल्यू को पुट करेंगे, इट मीन्स रेशियो को पुट करेंगे, तो ए बाई बी इक्वल टू 8/15 इंटू 5/8 इंटू 4/5। अब इसे कैंसिल करेंगे, 5/5 कैंसिल, 8/8 कैंसिल, इट मीन्स 4/15। देयरफॉर ए रेशियो डी इक्वल टू 4:15, दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी दिया हुआ है और हमें पता करना है एम ए प्लस एम सी डिवाइडेड बाई एम बी प्लस एम डी का मान क्या होगा, तो देखेंगे ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, यहाँ पे क्या होता है कि ए इक्वल टू सी होता है एंड बी इक्वल टू डी होता है। इसका अर्थ हुआ कि ए इक्वल टू सी एंड सी इक्वल या बी इक्वल टू डी। अब देखेंगे सिंस हमें दिया हुआ वैल्यू क्या है, एम ए प्लस एन सी डिवाइडेड बाई एम बी प्लस एम डी दिया हुआ है। अब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, एम ए की जगह पे मैं क्या कर दे रहा हूं सी, एंड एन सी को मैंने कुछ नहीं करने दिया, वैसे एम बी बी की जगह पे मैं डी कर दे रहा हूं एम बी, अब प्लस यहां पे एन डी को मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या करते हैं, अपर पार्ट में न्यूमरेटर में सी को मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या मेरे पास एम प्लस एन डिवाइडेड बाय, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भी क्या कॉमन है, तो यहाँ पे भी डी कॉमन है तो मैंने डी कॉमन ले लिया एम प्लस एन। अब देखेंगे सेम कास्ट ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या आ गया सी वाई डी। यदि ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी तो इसका वैल्यू क्या आ गया सी वाई डी, दिस इज आंसर। इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं इसको कि सी वाई डी इक्वल टू सी रेशियो डी, सी रेशियो डी किसके इक्वल है ए रेशियो बी, इसका मतलब ए रेशियो बी की इसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 3:5, बी रेशियो सी इक्वल टू 10:11, सी रेशियो डी इक्वल टू 22:25, तो हमें वैल्यू इसका पता करना, इसका मान क्या होगा कैलकुलेशन करना, इसका मतलब ए इक्वल टू हमें वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा, बी इक्वल टू वैल्यू पुट करना होगा, सी इक्वल टू वैल्यू पुट करना होगा। तब देखेंगे कि ए रेशियो बी इक्वल टू दिया हुआ 3:5, बी रेशियो सी इक्वल टू दिया हुआ 10:11 एंड सी रेशियो डी इक्वल टू 22:25। अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ए तो मेरे को सिंगल है, लेकिन देखेंगे बी यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू 5 जबकि यहाँ पे बी का वैल्यू 10, दिस इज नॉट कॉमन, एंड सी भी देखेंगे डबल है, सी इक्वल टू 11 एंड सी इक्वल टू 22, यहाँ पे भी जो सी का जो वैल्यू है वो कॉमन नहीं है। सो हियर वैल्यू ऑफ बी एंड सी इज नॉट कॉमन, तो सबसे पहले हमें बी एंड सी का वैल्यू को इक्वल करना है, तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखना है 3:5 और यहाँ पे यह बी का वैल्यू 10 है और सी का वैल्यू 11, इसे कैसे इक्वल करना है, तब देखेंगे कि b के साथ अगर हम b में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 होगा। सो एंड यहाँ पे देखेंगे c का वैल्यू कितना है 22 है, तो देखेंगे कि c का वैल्यू क्या हो गया दोनों में इक्वल
हो गया, कॉमन हो गया। वैसे ही देखेंगे ए रेशियो बी इक्वल टू 3:5 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू यहाँ पे 10:11 है, और जबकि आप इक्वल करने पे क्या लाए 20, तब क्या करेंगे 3 को 5 या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, एंड 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब अब इसे इससे हमें हेल्प नहीं लेना है, अब हमें इससे हेल्प लेना है, क्योंकि ए का वैल्यू कितना हो गया 12, बी का वैल्यू यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे भी देखेंगे तो 20, एंड सी का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 22 और इसमें भी सी का वैल्यू 20। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बी सी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी सी प्लस ए बी, बी का वैल्यू या 20, सी का वैल्यू 22 माइनस ए का वैल्यू कितना है 12 है, एंड डी का वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय सेम टू हेयर 20 × 25 + 12 × 25 22 × 2 = 4 and 10 माइनस 12 × 5 = 60 12 × 2 = 24 and 6 = 30 डिवाइडेड बाय सेम टू हेयर बट प्लस में इक्वल टू, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं 140 होता है एंड यहाँ पे कितना 740 1010 7 × 2 = 3 7 × 37 × 2 = 7 × 37 आंसर।